नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ कृतिका। अब तक हमने फिल्मों की कहानियों में ही लुटेरी दुल्हन का कारनामा देखने या सुनने को मिला था, लेकिन अब लुटेरी दुल्हन का कारनामा देखने को मिल रहा है। दरअसल बेगूसराय में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जिसमें पहले लड़की ने युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद युवक को अपने मोह जाल में फंसाया और लाखों का चंपत लगाकर फरार हो गई। वहीं अब धोखा खाया युवक अपनी लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज करा न्याय की गुहार कर रहा है। मेरे यहाँ मौसम कुमारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम मेरे मकान में एक किराएदार के रूप में आई, जिसे वो रहने लगी। उसके बाद हमारा बातचीत होना शुरू हो गया, बीच में जिसे फ़ोन और मैसेज के जरिए बातचीत होना शुरू हो गया। और इस दरमियान वो बलिया ब्लॉक में लेखापाल के पद पे उसकी जॉब हो गई। उसके बाद वो शादी का प्रस्ताव रखी। शादी से पहले वो मोबाइल, हम लोग के मोबाइल से बातचीत होती थी, मोबाइल व्हाट्सएप से बातचीत होती थी, जिसमें वो कई दफ़ा हमसे रिचार्ज करवाई और शॉपिंग वगैरह हमसे काफ़ी करवाई। और उसके बाद वो बलिया ब्लॉक में लेखापाल के पद पे उसकी नौकरी लगी। उसके बाद वो शादी का प्रस्ताव रखी, जिसको मैंने भी स्वीकार किया। और उसके बाद हम लोग भागलपुर गोनू धाम में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मैंने शादी किया और पत्नी के तौर पे पत्नी बना के उसे अपने घर में लाया, जिसे मेरे माता पिता दोनों ने और मेरे पूरे परिवार ने स्वीकार किया। उसे मेरे घर में वो रहने लगी। कुछ दिन रहने के बाद वो, उसकी माँ का तबीयत ख़राब था, वो बोल के वो घर चली गई। वो बोली मैं अपने घर जा रही हूँ, जो मेरी माँ का तबीयत ख़राब है। और उसके बाद वो सोने का जेवर 6 भर का बनाया हुआ था, मेरी बहन के शादी के लेके घर चली गई। उसके बाद बोली माँ का बहुत काफ़ी तबीयत ख़राब है, जो मुझे पैसा की कुछ रुपयों की कुछ आवश्यकता है, जो तो मैंने बोला कितना रुपया चाहिए, तो वो बोली 1 लाख रुपया का ज़रूरत है अभी। तो 1 लाख रुपया मैंने उसके अकाउंट में मैं अपने HDFC अकाउंट से 50,000 रुपया का 2 बार मैंने उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया। हम बोले घर कब आओगी, तो बोली माँ का तबीयत ठीक होते ही घर में वापस आ जाऊँगी। उसके बाद वो माँ का तबीयत ठीक होने के दरमियान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का वो फ़ायदा उठा के उसकी मौसी बोली आप पत्नी के तौर पे से भूल जाइए, नहीं तो आपको और जान से मारने की धमकी भी दी। और उसके भाई लोग जो थे अभिनव कुमार बंटी, अमित कुमार और कुणाल कुमार, मनीष कुमार, ये सब ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। हम प्रतीक्षा में थे वो आएगी, पर वो आई नहीं। और वो मजबूरी का मेरा फ़ायदा उठा के, लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के वो चली गई। हम वो लुटेरी एक दुल्हन की तरह वो आई, जिससे वो मेरे जितने भी जमा पूंजी थी वो ले गई और हमारे सोने जेवरात जो भी थे वो सारे ले गए। लॉकडाउन में वो लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के एक लुटेरी दुल्हन की तरह वो चली गई। आज हम थाने आए शिकायत करने के लिए। बीच में लॉकडाउन आ गया और उसका प्रतीक्षा करने के दोनों उम्मीद में लगे रहे। अनुराग लोहियाना के निवासी फ्रेंड है और ये मौसम कुमारी से 6 साल से बात कर रहा था। 6 साल बात करने के बाद ये लोग बात करते करते आपस में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद ये शादी किए भागलपुर जाके। उसके बाद ये बहुत सारा कीमती जेवरात जितना था सारा कुछ ये दिया हुआ था उसको, मोबाइल से लेके उसका जितना भी मेंटेनेंस था, मोबाइल से रिचार्ज तक यही करता था, मोबाइल रिचार्ज करता था। उसके बाद शादी ये लोग भागलपुर में जाके किया है। भागलपुर गुरु धाम मंदिर एक है भागलपुर में, वहाँ पे जाके लोग शादी किया। शादी करने के बाद अनुराग शादी करने के बाद आया, घर में भी रखा इसको। घर में रखने के बाद उनके इनके माता पिता पत्नी के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन के बाद लड़की बोली मेरा मम्मी का तबीयत ख़राब है। उसके बाद वो चली गई अपने घर। घर जाने के बाद बोली मेरा मम्मी का तबीयत ख़राब है तो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो 1 लाख रुपया ये 50,000 करके दिया, अकाउंट टू अकाउंट HDFC से दिया हुआ है पैसा। वो इसके डायरेक्ट उसके अकाउंट टू अकाउंट में भेजा गया है पैसा। बताई वो एक्सक्यूज़ दे रही थी कि मेरा मम्मी का तबीयत ख़राब है, पापा का ये वो, मतलब कुछ भी बोल के बसती रही।
लॉकडाउन के वजह से, और ये भी लॉकडाउन के वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में यही हुआ कि ये अपना बेचारा लास्ट में 2 महीना वेट किया, वेट करने के बाद आया थाना, तो थाना से देखिए कुछ हेल्प मिल जाता है। तो वो बोली कि हम तुम्हारे लाइफ नहीं आ पाएंगे, तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकते हैं। उसकी मौसी से फ़ोन करके बोला गया और इसको मारने के भी धमकी दिया गया है। और लॉकडाउन के वजह से वो फ़ायदा उठा के लुटेरी दुल्हन बन गई है और भाग गई सारा पैसा लेके। देखिए, इसके संबंध में मैंने अभी ओपी अध्यक्ष से पूछताछ किया तो वो अभी किसी दूसरे गांव से बाहर निकले हैं, लेकिन एक आवेदन मिलने के संबंध में उनके द्वारा बात बताई गई। आवेदक हैं अनुराग कुमार, पिता महेंद्र सहनी, ये लोहिया नगर सोहिर्द नगर। इनके द्वारा दी गई है कि इनके ही मकान में मौसम कुमारी नाम की एक लड़की जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी, 4 साल तक वहां पर रही, और इनके द्वारा आवेदन में यह बताया गया है कि वो उस 4 साल तक उस लड़की का खाना कपड़ा लगता एवं खर्च उसका वहन किए। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के संबंध में और भी जो खर्च है वो सभी ये वहन किए। संभवतः दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे होंगे, लव हुआ, उसके बाद शादी की बात हुई। शादी 23 अप्रैल 2019 को गोनूधाम भागलपुर में इन दोनों की शादी हुई है, जो कि ये अपना उसके संबंध में प्रमाण पेश कर रहे हैं। और शादी के उपरांत 2 लाख रुपये का इनसे सामान परचेज करवाया। उस वो लड़की अभी उनकी पोस्टिंग है पंचायती राज विभाग लेखापाल सह IT सहायक बलिया के रूप में है। और शादी के बाद 2 लाख का इनसे सामान परचेज करवाया। घर में इनकी बहन का शादी के लिए 6 भर का जेवरात रखा हुआ था वो, और फिर वो घर चली गई और घर से मम्मी के तबीयत का खराब होने का बहाना बना करके 1 लाख रुपया और इनके HDFC बैंक से कैश लिया और फिर वो रिफ्यूज़ कर गई कि हम आपसे शादी किए हैं, जबकि शादी का इनके द्वारा दावा किया गया है कि सभी कागजात हमारे पास में है। ये अभी थानाध्यक्ष के द्वारा जाँच की कार्रवाई के दरमियान में है, और इसके बाद इसमें जो भी अगर यह मामला सही पाया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें News 1 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।